ए मारिया, हटो हटो। क्या है ये? क्या चीज है? पहली बार देख रहा हूँ। अजी पढ़ते हैं इसको। इस चीज में तो लिखा है कि इसको कंप्यूटर में चला के देखिए, पता नहीं क्या है, एक बार टेस्ट करके देख ही लेते हैं, अच्छा ही चीज होगा। दरवाजा खोला, मैं अचानक से देखा गिरा हुआ है ये, पता नहीं क्या है, देखते हैं इसको। चला कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा। कंप्यूटर थोड़ा अजीब लग रहा है, रुको इसको चला के देखते हैं। इसको लगा लिया मैंने कंप्यूटर में, अभी कंप्यूटर को देखने का टाइम आ गया, पता नहीं इस पेन ड्राइव में क्या है, देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अरे ये क्या दिखा रहा है? अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया, अभी तो चलाया था मैंने, पता नहीं कुछ लाल चांद दिखा रहा था, एक अचानक से बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है? नहीं लग रहा है, कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन मैं इसका भाषा नहीं समझ सकता, क्या बोलना चाह रहा हूँ। लगता है इसने भी सेंस डेंजर को सेंस कर लिया, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है चारों तरफ। अरे यार कहाँ फिर से गिर गया मैं। अरे यार ये तो, अरे ये यहाँ से क्या, ये यहाँ पे कैसे आया? अच्छा वो ये यहाँ पे आ गया, मुझे डर लग रहा था वो, पता नहीं मैं कहाँ गया। ये जगह बिल्कुल अजीब सा है, पता नहीं किसका घर है, लाइट भी कैसे कहाँ पर है इस घर का। अचानक से मैं तो अपने घर में था, मेरे साइड में मारिया थी, वो भी पागल जैसा बर्ताव कर रही थी, पता नहीं वो कहाँ गई अभी, मैं पता नहीं कौन सा घर में आ गया। ये क्या टीवी है, क्यों है, क्या हो रहा है ये पता नहीं चल रहा, कहाँ पे आ गया मैं, अजीब सा चीज़ें हो रहा है आज तो, एकदम ठीक नहीं लग रहा है। मेरा ड्रेस भी चेंज हो गया, मेरे तो कुछ और पहन लिया मैंने, हो रहा है आज तो मेरे साथ, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। मेरे तो याद है कि मैं अपने घर में था, अचानक से फिर उसके बाद क्या हुआ पता नहीं क्या, अभी पता नहीं कहाँ कैसे निकलेंगे यहाँ से, ये पता नहीं ऐसा अजीब सा घर है। ये डोर कहाँ जाता है देखते, ये तो एक अजीब सा जगह है, यहाँ पे मैं कभी नहीं आया, पता नहीं कौन सा जगह है, ठीक नहीं। यहाँ से दरवाजा बंद है, एक ही रूम में मैं बंद रहा हूँ, अभी क्या करूँ मैं। अभी दोनों को हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। मैं अरे वहाँ पे एक रास्ता दिख रहा है, वहाँ पे चलना चाहिए। इतना अंधेरा क्यों है? मुझे तो कुछ दिखा नहीं रहा, थक गया। ये कौन सा जगह है? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं अनुराग, तुम एक मल्टी डायमेंशनल जगह में हो, और तुम और मारिया गलती से 2010 में चले गए थे, लेकिन अब सुरक्षित हो और एकदम सही जगह पे गिरे हो। एक आवाज सुनाई दे रही है, किसकी है? कौन हो आप? कौन बात कर रहे हो मेरे से? क्या चाहते हो मेरे से? मारिया किधर है? अरे मैं वही हूँ जिसने वो पेन ड्राइव दिया था दरवाजा के बाहर, और मैं तुम्हें आज पूरा बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हारा दोस्त मित्रों का जितना भी बिल्ली है और मारिया, सबके बारे में बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना, और मारिया के बारे में कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि वो 2021 में एकदम सही सलामत है। और अभी रात है 2021 में, तो सब देखेगा तुम्हें सोते हुए, क्योंकि तुम सपने के द्वारा इस मल्टी डायमेंशनल स्पेस में कनेक्टेड हो। लेकिन ये सच घट रहा है, कोई सपना नहीं है। प्लीज मुझे अपनी जगह में पहुंचा दो और आप प्लीज अपना चेहरा दिखाइए, आप कौन है? मैं अपनी जगह में कैसे वापस जा सकता हूँ? कौन सी जगह में आ गया इतने रात को? ये इतना अंधेरा। साल 2004, जब एल्फेरिया नामक एक बिल्ली पैदा हुई थी। उसका मम्मी जो था वो बहुत जल्दी मर गया था और ना ही कोई पार्टनर्स हुआ था, सिर्फ एक ही बच्चा हुआ था। गालफुलो हुलो नामक एक बिल्ली भी था। तो 5 साल बीत जाने के बाद गालफुला हुलो और एल्फेरिया का मिलन हुआ। और उसके बाद ना एल्फेरिया ने केल्टो और साधु का जन्म दे दिया, जो उसके बाद 2010 पे सुमित्र के घर पे उसको लाया गया। वहीं से वो पेट बन गए हैं। लेकिन लालफुलो हुलो ने साधु को 2011 में मार डाला, और बहुत बुरी तरीके से मार डाला। और 2014 में केल्टो खुद मर गए एक डिसऑर्डर के चलते, एक बहुत ही खतरनाक भयानक डिजीज के चलते। तो तब एल्फेरिया वहाँ से भाग गया गालफुलो हुलो के डर से। तब तक एल्फेरिया मर गए थे, लेकिन अपने 3 बच्चों को देखे गए थे, कालुआ पैसिफिक हुलो और केलोबासी। पैसिफिक हुलो ने गालफुलो हुलो को मार दिया और डिक्टेटर बन गया, राजा बन गया। और कुछ साल बाद जब कालुआ बच्चा देना शुरू किया, बच्चा देते रहा और पैसिफिक हुलो उन लोगों को मारता रहा, तो कभी भी बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया, 1 हफ्ता भी नहीं जी पाया, उसके पहले ही मर रहा। और तब एक और हुलो आया जिसका नाम था स्क्वायर मुखो हुलो, जो कि गालुआ का नहीं था बल्कि दूसरा बिल्ली का बच्चा था और पैसिफिक हुलो से 1-2 साल छोटा था। तो वो किसी को नहीं मारता था, सिर्फ इरिटेट करता था, परेशान करता था। लेकिन पैसिफिक ने उसको मार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और नया बिल्ली आए और उसका थ्रोन छीन ले। और इस तरीके से स्क्वायर मुखो हुलो का अंत। उसके बाद गालुआ ने किया मास्टर स्ट्रोक, जहाँ पर एल्फेरिया बहुत साल पहले केल्टो और साधु के साथ साधु को लेके आया था और थोड़ा बहुत साल तक रहा था वहीं पर गया, मतलब सुमित्रो का घर। और वहाँ पर फल भी ऐसा ही मिला, 3 बच्चों का जन्म दिया, वो सही सलामत रहे और पैसिफिक हुलो कुछ भी नहीं कर पाए। और उन 3 बिल्लियों का नाम पुल्लू, फेफार और इची। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद पैसिफिक हुलो उन लोगों को इतना परेशान करता था कि वो दोनों तो भाग ही गए और एक को पैसिफिक हुलो धक्का मार के फेंक दिया। और उसके बाद फिर से कालुआ ने वही जगह पे जन्म दिया और 3 बिल्लियों का, जिसका नाम था वाइटी, ब्लैकी और सैंडी। और उन तीनों के अंदर दोनों तो पहले ही मर गए, ब्लैकी ही मर गए बहुत ऊपर से गिर के, और सैंडी जो है वो कहीं खो गए। और ऐसा कहा जाता है कि पैसिफिक हुलो की वजह से ही ऐसा हुआ था। और एकमात्र जो सर्वाइवर था वो था वाइटी, जो कि 1 साल तक जिंदा रहा और पेट बन के रहा। लेकिन एक रात को जब सब सो रहा था, तब पैसिफिक हुलो आके उसको इतना मारा कि वो मर ही गया उस दिन। Hard to do.